उसका कई नाम है, जैसे एक नाम टॉर्क है, एक नाम एक और नाम है, बोलो तो क्या है? टॉर्क, हाँ हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स भी टॉर्क का एक नाम है, ठीक है। तो जैसे देखो, मैं अगर मान लो एक रिजिड रॉड पर बात करूं, रिजिड रॉड, इसका एमआई हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सेंटर ऑफ मास के बारे में भी पढ़ चुके हैं ना। अब है किसका सेंटर ऑफ मास जो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा, ये रॉड अगर आइडेंटिफाई करते हैं बाय ए बी, इसका लेंथ एल है, ठीक है। और मान लो तुम फोर्स लगा रहे हो इसमें, एक लीनियर फोर्स एफ लगा रहे हो, और वो ऑपरेट कर रहा है इस तरह से एज इव इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कहाँ से पास कर रहा है, थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो अब जो है इस एफर्ट का, ये जो एफर्ट है इसका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ एफ बराबर होगा, इसका मास अगर हम एम ले लेते हैं तो दैट विल ब्रिंग एक्सेलरेशन, यानी कि थ्रू सेंटर ऑफ मास इसमें लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा। अब ये रोटेट नहीं करेगा अंडर दिस कंडीशन, दिस टाइम विद दिस एफर्ट द रॉड वोंट बी स्टार्टिंग इट्स रोटेशन, इसका स्टेट ऑफ रोटेशन हमको नहीं दिखेगा और ना होगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स है, मैंने कहा कि एनी लीनियर फोर्स हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लिखा है ना, अ लीनियर फोर्स हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो किसी बॉडी का जो पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उससे अगर अप्लाइड फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, तब जाके लीनियर फोर्स एंगुलर फोर्स के नाम पे काम करेगा, ठीक है। तब उसका काम एज एन एंगुलर फोर्स काउंट होगा, तब उसका काम एज अ टॉर्क काउंट होगा। प्रोवाइडेड एनी लीनियर एफर्ट ऑन एनी डायमेंशनल बॉडी मस्ट गेट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सवाल है ये हम कैसे समझेंगे कि किसी डायमेंशनल बॉडी का पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? तो हमेशा जान लो, एक टर्म में इसके पहले भी कहा था, एक नाम मैंने कहा था फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वर्ड मैंने यूज किया था इसके पहले भी। तो सवाल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर जब बात कर रहे थे इन द चैप्टर ऑफ कोलिजन, तब हमने इस पर बात किया था। तो सवाल ये है कि ये जो फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कहाँ लोकेट करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डायमेंशनल बॉडी। एक डायमेंशनल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन है, फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उस सेंटर ऑफ मास से पास करता है। यानी कि जो रिजिड रॉड है जो हमने लिया है लेंथ एल का, ये अगर रोटेट करेगा तो इसका रोटेटिंग एक्सिस, इसको जो घुमाने वाला एक्सिस, जो पॉसिबल एक्सिस है, फ्री एक्सिस मतलब तुम मजबूर नहीं किया है, यू हैवंट कंपेल्ड द बॉडी टू रोटेट अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस ऑन द बॉडी, राइट। जब किसी बॉडी को कोई एक्सटर्नल फिक्स्ड एक्सिस प्रोवाइड नहीं किया जाता है रोटेट करने के लिए, तो इन जनरल हर एक डायमेंशनल बॉडी इज अबाउट टू रोटेट अबाउट द फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? तो हमने रॉड को घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए, उस पर कहीं अगर एक फिक्स्ड एक्सिस पोजिशन इम्पोज नहीं करते हैं तो तब रॉड रोटेट करने के लिए तैयार है, केपेबल है, दैट इज ओनली अबाउट एन एक्सिस विच कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन को ही हम फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं फॉर एनी डायमेंशनल बॉडी। ये सिर्फ रॉड का बात नहीं है, किसी भी डायमेंशनल बॉडी के लिए उसका फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होता है जो कि उसका सेंटर ऑफ मास से पास करे, ठीक है। तो यानी कि अगर रॉड को
घूमने का मन करेगा तो वो घूमेगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर। तो इसका मतलब है अगर हमको रॉड को एक फोर्स लगा के घुमाना है तो आई मस्ट गेट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम क्या कहें कि किसी भी लीनियर फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अगर रोटेट कराना है तो आई मस्ट अप्लाई फोर्स मेंटेनिंग अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं अगर सीधा जाके एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही फोर्स लगा दूंगा तो मेरा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। अकॉर्डिंग टू डायग्राम यही तो दिख रहा है, हाँ या ना, ठीक है ना, कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फॉर द अप्लाइड फोर्स का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो जीरो है। इस वजह से टॉर्क जिसको कि हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस, है ना, फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। तो चूंकि मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस जीरो मिल रहा है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफर्ट का मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी टॉर्क जीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही वजह है कि हम कह सकते हैं अंडर दिस सिचुएशन दिस इंप्लाइज दैट नाउ ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स रॉड कैन गेट लीनियर एक्सेलरेशन, है ना, रॉड कैन गेट लीनियर एक्सेलरेशन बट नो एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई एंगुलर एक्सेलरेशन उसको मिल नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? दिस टाइम द रॉड इज नॉट गेटिंग एनी एंगुलर एक्सेलरेशन दो इट इज गेटिंग लीनियर एक्सेलरेशन ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स वैल्यू। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि हमको कभी भी किसी भी डायमेंशनल बॉडी में अगर हम उसके फ्री एक्सिस रोटेशन का जो पोजीशन होगा उसी पोजीशन से पास करने वाला कोई भी फोर्स लगाए, नॉट, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये अप्लाइड फोर्स एफ जो डायग्राम में दिखा रहे हैं उसी के वजह से टॉर्क नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ इसी डायग्राम में एक और फोर्स दिखाऊं एज एन F1, तो F1 इज दिस टाइम नॉट अवेलेबल परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो किसी भी अप्लाइड फोर्स को रॉड को रोटेट कराने के लिए किसी भी अप्लाइड फोर्स का खुद का पोजीशन रॉड से परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन होना होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तुम रॉड पे फोर्स किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हो, परपेंडिकुलर टू द रॉड लगाओ या ऐसे रॉड के साथ एक एंगल बना के लगाओ, ठीक है। रोटेट करने के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन है, वो रॉड से परपेंडिकुलर है कि नहीं, वो रॉड पे कैसे भी काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द अप्लाइड फोर्स मस्ट गेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसीलिए यहां ना ही एफ के लिए और ना ही F1 के लिए टॉर्क लगेगा। समझ में आया? तो इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टॉर्क ड्यू टू एफ इज जीरो, इवन टॉर्क ड्यू टू F1 भी जीरो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू द फोर्सेस एफ एंड F1 आर जीरो, राइट, सो नो टॉर्क। अब देखो बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि टॉर्क इज मैग्नीट्यूड को जानने के लिए, मैग्नीट्यूड को इवेल्युएट करने के लिए सिंपली लिखते हैं टॉर्क
इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सवाल है क्या टॉर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? टॉर्क क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्म हमने लिखा है ये दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं बेसिक कि दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, अनदर वन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, फोर्स और डिस्टेंस। अब देखो, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, which is given by, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये tau टॉर्क का सिंबल है, ठीक है, इसके ऊपर एरो लिख देते हैं तो ये वेक्टर हो जाता है। तो इस वेक्टर को लिखने का तरीका है, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस f, ये होता है r क्रॉस f, ठीक है। ये r क्रॉस f का क्या मतलब है? r क्रॉस f का मतलब है कि हम जानते हैं कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये r क्रॉस f इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ f इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इंटू n कैप। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना, याद है कि नहीं? a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, उसको लिखने का तरीका क्या क्या होता है? इट इज वेक्टर a इंटू वेक्टर b इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो वही कर रहे हैं हम लोग, r क्रॉस f मतलब r इंटू f इंटू साइन थीटा n कैप। तो यहाँ ये r और यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे, क्या ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है। कैसे है देखो, जैसे कि मान लो मैं रॉड वाला एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ, ये रॉड का सेंटर है मान लो C, एंड्स ऑफ द रॉड्स आर आइडेंटिफाइड एज A एंड B। मान लो मैं यहाँ एक फोर्स लगाया, लेट दिस इज बी द वन फोर्स F1, और ये जिस पॉइंट पे अप्लाई हुआ है लेट दैट पॉइंट इज P। तो जहाँ फोर्स हमारा अप्लाई होगा तो C इज द एक्सिस पोजिशन, है ना। तो एक्सिस पोजिशन से अप्लाइड फोर्स, जहाँ फोर्स लग रहा है दैट इज P, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये होगा रेडियस वेक्टर, ये है R वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द R वेक्टर, और ये F1 जो हमने इधर अप्लाई किया ये हो गया हमारा F1 एज अ फोर्स वेक्टर। तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली ऑन द बॉडी जिस पॉइंट पे काम करेगा, ठीक है, उस पॉइंट का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस होगा अलोंग द रॉड वो है उसका रेडियस वेक्टर। तो इसका मतलब है कि यहाँ टॉर्क ड्यू टू F1 इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, टॉर्क ड्यू टू F1 हम लिख सकते हैं इज गिवेन बाय, टाउ वेक्टर दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F1। यहाँ वो क्या है? R क्रॉस F1। समझ में आया? अब इसको इलेबोरेट करें तो आई कैन राइट डाउन इट इज R इंटू F1 इंटू साइन 90, हाँ या ना, दैट इंटू एन कैप, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे न्यूमेरिकली तुम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 इंटू 4, सो 2 इंटू 4 लिखो, कोई 4 इंटू 2 लिखा कोई अंतर नहीं है, दोनों का लिखना सही है। लेकिन दो वेक्टर को अगर
तुम प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा तो बात उलट जाएगा। ए क्रॉस बी का जो मीनिंग होता है, बी क्रॉस ए का मीनिंग वो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तुम जिसको फर्स्ट वेक्टर और जिसको सेकेंड, मतलब जिसको पहले लिख रहे हो फर्स्ट वेक्टर, जिसको दूसरे बार बाद में लिख रहे हो सेकेंड वेक्टर, ये थीटा जो है जनरल टर्म का थीटा जो है, ये थीटा है एंगल बिटवीन आर एंड एफ, फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर के बीच का एंगल। और ऑर्डर एंगल, एंगल हमेशा एक ऑर्डर पे लिया जाता है ना, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी एक सिचुएशन में जो दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है वो डिफाइन होता है फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जब हम ध्यान से देखो इस सिचुएशन के हिसाब से, यहां आर क्रॉस एफ वन, आर आर एफ वन, क्या ये तुमको वेक्टर के हिसाब से देखे तो इन दोनों का नेमिंग क्या, कौन से टाइप में होना चाहिए, ये दोनों किस तरह का वेक्टर है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? याद है ना टाइप ऑफ वेक्टर में क्या क्या पढ़ाया था मैं, इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, को टर्मिनस, दोनों एक पॉइंट पे जाके खत्म हुआ, तो को टर्मिनस वेक्टर्स। तो को टर्मिनस वेक्टर्स जब ऐसे है तो को टर्मिनस वेक्टर्स को हम चाहे तो को इनिशियल बना सकते हैं ना। कैसे, हम एफ वन को आगे लेके गए अपने ही डायरेक्शन पे और आर को भी आगे ले गए अपने ही डायरेक्शन पे। तो देखो तो दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम आर टू एफ। ये होता है ऑर्डर समझना। ये ऑर्डर नहीं समझोगे तो तुमको टॉर्क का डायरेक्शन लिखना गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ, अच्छा ये भी चीज़ तुम लोग बेसिक तो जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, कि जिन दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है? मार खाएगा रे। दो वेक्टर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ए और बी, तो ए क्रॉस बी किया उसका रिजल्ट हुआ वेक्टर सी, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू गिवेन वेक्टर्स। दो गिवेन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसका नतीजा, रिजल्टिंग क्वांटिटी एक वेक्टर बनता है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होता है? सब भूल जाता है। राइट हैंड थंब रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल में क्या सिखाया था कि अगर मेरे को अगर कभी किसी समय ये दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर मेरे को इन दोनों के बीच का एंगल थीटा पता है और मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी अगर सी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मतलब जब हम इसको इलेबोरेट करेंगे, दैट इज ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर सी, है ना। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वैल्यू ए बी साइन थीटा होगा और एन कैप से डायरेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो डायरेक्शन ऑफ एन कैप है उसमें हमको ये थीटा, ध्यान से देखो, ये थीटा को सिलेक्ट करना है इन द ऑर्डर फ्रॉम ए टू बी थ्रू एन एंगल थीटा, रोटेशन शुड बी टेकन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी इस ऑर्डर में मेरे को रोटेट करना है। तो अगर मैं राइट हैंड थंब को, राइट हैंड फिंगर्स को थ्रू थीटा रोटेट करता हूं ऑन दिस प्लेन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो मेरा थंब किधर जा रहा है? आउटवर्ड, यानी कि ये एन कैप इज आउटवर्ड इन डायरेक्शन। एन कैप कैसा हुआ? आउटवर्ड इन डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो सी का डायरेक्शन एन कैप से डिसाइड होगा, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ सी इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। समझ में आया? किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन कैसे तय होता है? जो दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, उनके बीच में जो एंगल अवेलेबल है उस एंगल में तुम अपना राइट हैंड फिंगर्स को रोल करो, उतना ही एंगल से रोल करो जितना एंगल उन दोनों के बीच में है, उससे डिफरेंट एंगल में रोल करने से नहीं होगा, है ना। तुम सोचेगा सर ए से बी मैं क्लॉकवाइज भी तो जा सकता हूं, टू पाई माइनस थीटा जा तो सकते हो, लेकिन तुम क्या एंगल टू पाई माइनस थीटा लिया? नहीं ना, तुम एंगल ए और बी के बीच में क्या लिया? थीटा। तो यानी कि तुमको रोटेशन थीटा का होना चाहिए। तो थीटा घूमोगे फ्रॉम ए टू बी तो जिधर तुम्हारा राइट हैंड थंब आएगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह यहां
टॉर्क को डिफाइन करने में जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो कहां से कहां चलना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द एंगल। यहां 90 डिग्री है तो आर से एफ वन, आर से एफ वन जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ना 90 डिग्री, आर से एफ वन जाएंगे थ्रू 90 डिग्री ऐसे जाएंगे तो थंब किधर आ रहा है आउटवर्ड, यानी कि इस केस में जो टॉर्क है टॉर्क इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? जो टॉर्क बन रहा है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर एंड अप्लाइड फोर्स लीनियर फोर्स द एज द एंगल इज अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री इज 90 डिग्री सो द टॉर्क विल बी डायरेक्शन वाइज टू बी टेकन एज आउटवर्ड इन डायरेक्शन। एमसीक्यू में दे देगा, सिर्फ एक सिचुएशन दे देगा, एक आर का आर वेक्टर का बारे में बता देगा, एक फोर्स वेक्टर के बारे में बता देगा, बोलेगा टॉर्क का डायरेक्शन बताओ, ठीक है, या टॉर्क का वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताओ, तो तब तुमको डायरेक्शन के लिए ये ऑर्डर ये मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है?